बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बस, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल के वजह से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल सारे फैमिली को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज मैं शेयर करती हूँ सुबह की रूटीन। तो सुबह की रूटीन में है कि हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो नाश्ते के बाद ये बर्तन धोने वाले थे, बर्तन धो रही हूँ और साथ ही वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। तो आज इतवार है, इतवार वाले दिन तो काम काफ़ी होता है, सारा दिन कोई ना कोई काम होता ही रहता है। तो ये काम कर रही हूँ तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो सारी भी आज नहीं है, सारा अपने मम्मी के घर गया हुआ है, तो हो सकता है दिन में किसी वक्त वो आ जाए तो वो भी साथ आ जाएगा। तो अभी जो है सुबह की दिन भी शेयर कर रही हूँ। तो ये ना बर्तन मैं धो रही थी, तो बर्तन मेरे धुल चुके हैं, तो इसके बाद में कपड़े धोऊंगी डालूंगी। बर्तन धो लिए हैं मैंने, तो ये उठा के रखती हूँ उधर, तो बाद में फिर मैं कपड़े धोना शुरू करूँगी। इसी तरह सारे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो जब मैं उठा के रखती हूँ और फिर मैं कपड़े निकाल दूँगी। तो बर्तन तो हो गए हैं, अब मैं कपड़े निकालने लगी हूँ। कपड़े धोने के बाद फिर दूसरे काम की रूटीन शुरू हो जाएगी। तो छुट्टी वाला दिन तो होता ही काम वाला दिन है, बच्चों की स्कूलों से छुट्टी होती है और माओ का काम डबल हो जाता है पूरे हफ्ते के काम। तो ये कपड़े निकाल के मशीन से उठाल के तो ऊपर छत पे डाल के आऊँगी जाके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सारिम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसकी वीडियो को लाइक कर दें, और उसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज ना सारिम जो है छुट्टी पर है, आज वो वीडियो में नहीं आएगा, तो आज उसने मुझे बुलाया है वो वीडियो के लिए। तो स्पेशल मैं ना किस मुल्क से आया हूँ, किस मुल्क से आया हूँ? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से आया हूँ उसकी वीडियो बनाने के लिए। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। तो गाइस देखें, तो गाइस सारिम ने मुझे आप इस वीडियो में इसलिए भेजा है कि मैं आपको कह सकूं कि आपने खुश रहना इस तरह ही। मेरा ना शाम को 7 बजे टीवी पर शो आया करेगा, तो आपने उसे देखा करना है। तो उस पर मैं सर्कस पे नकली जो शेर होता है ना उसके साथ मैं करतब किया करूँगा, और एक टायर पर सैकड़ी पर घुमा करूँगा। तो वो साइकिल चलाते उन पर भी घुमा करूँगा। तो एक दिन का 10,000 का मेरा मेकअप होता है ये। तो आपने सारिम की वीडियो को लाइक करना है। वो इस वीडियो के जब सारिम मूड होएगा ना, तो तब वो इस वीडियो में आएगा। तब तक के लिए वो साउथ अफ्रीका से आया था, तब तक के लिए वो साउथ अफ्रीका का जोकर है। तो जब फिर वो अपना मेकअप जो उतार लेगा तो फिर वो सारिम बन जाएगा, ठीक है? तो अब रात हो रही है, छत पे आए हैं, कपड़े इकट्ठे करूँगी, यहाँ से अंदर रखूँगी मैं कपड़े।
मुझे सारे कपड़े जो हैं तारों से उतार लिए हैं, तो कमरे में रख के आती हूँ अब जाके। चूज़ों के लिए खाना, तो इसमें है चावल और छलियाँ। तो ये देखें, ये इतने इन चीज़ों के शौकीन है ना कि जान पे बन जाती है इनके। ये भी सारिन की तरह ना गोश्त के और चावलों वगैरह के बहुत शौकीन है, तो दाने वगैरह गंदम के डालें ना तो खाते नहीं हैं, बेशक भूख से ही मर जाएं, ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो रबीत जो है ना मेरा, उसने ऐसे वो ना छलियों से दाने उतार के, नरम जो ताज़ी छलियाँ होती हैं ना उससे उतार के तो वो खिलाने होते हैं, तो बिगाड़ के रख दिया है इनको। ये शरीफ है, इनको ये देख रहे हैं कि हमें भी कुछ मिले, इनको जो दे खा लेते हैं। तो ये सारी वापस आ चुका है मम्मी के घर से। तो ये देखिए, ये मेरी खरगोशी जो है ना, ये नई काम करती है। ये जो जाली है ना, ये लोहे की है, देख लें। तो ये ना इसे भी खा जाती है। तो ये अंदर वाली साइड से देखें, इसने सारी उतार के ना खा ली है, तोड़ दी। तो ये अभी नई लगाई है कि बिल्लियां ना इसे पकड़ के ले जाएं, तो अभी भी खा रही। पता नहीं ये लोहा हजम कैसे करती है। तो ये करती तब है जब इसने बच्चे देने होते हैं ना, तो फिर ये जालियाँ वगैरह खाती है उतार के, तोड़ तोड़ के। अब हमारे घर न्यू बेबी आएंगे। तो ये देखे, ये पूरा जोर लगा रही है, काफ़ी ये तोड़ दी है। तो ये रबीत, इसे ऐसे अंदर से मोड़ देना था, चुभ ना जाए इसे। उसे नहीं कुछ भी होता है, वो खा लेती है। और वो देखो सारी अंदर को हुई है। ये हमारी शरीफ है। तो ये तो शहजादी है, शहजादी, ये शहजादी है। ये माशाल्लाह देखे कितनी सेहतमंद है। तो ये माशाल्लाह से अभी बच्चे देंगी, इनका सीज़न स्टार्ट होने वाला है बच्चों का। गर्मियों में तो नहीं ये देती बच्चे, तो अब काफ़ी मोटी मोटी हो गई हैं। तो छोटे छोटे बच्चे आएंगे प्यारे प्यारे से। और ये भी देखें, तो ये बस ना हमने रखे हुए हैं कि हमें प्यारे लगते हैं, तो इनके साथ खेलते हैं, टाइम गुजर जाता है इनके साथ अच्छा अच्छा तो सारी माँ चक चुका है वापस से, इससे पूछते हैं वहाँ क्या खाया क्या किया। इसने वहाँ पर भी गालियाँ खाई होंगी, जैसे इसके करतूते हैं, है ना सारा। तो सारी बैठ गया पास, तो उससे पूछते हैं कि मामू के घर जाके मज़ा भी आया या नहीं, कुछ खाने को मिला, क्या किया उधर। तो अब मैं आपको सारा कुछ तफसीलन बताता हूँ। तो ये बाल क्यों नहीं सीधे हो रहे? पता नहीं कि ना, पहले जब हम गए जाकर हमने बकरा खाया, बकरे के साथ रोटी, बाद में फिर हम शाम को चले गए स्टोन ऑफ पर, वहाँ वो ना पाकिस्तान की कह दिया फैसलाबाद की सबसे मशहूर जगह है, तो वहाँ से बहुत ही ना अच्छे पिज्ज़े मिलते हैं, तो वहाँ से हमने पिज़्ज़ा खाया। फिर हम घर वापस आ गए, जब घर वापस आए तो फिर रात को हमने शवार में खाए, तो फिर सो गए। फिर जब सुबह उठकर फिर हमने हवा खाई ताज़ी फैसलाबाद की, अच्छा भाई वाला की। तो बाद में फिर वहाँ पर मिलाद भी था, तो वहाँ पर फिर जो था ना मिलाद पर, वहाँ पर बिरयानी हलीम वो थी, तो हमने वो खाया। तो फिर बाद में मैं अपने कज़न के साथ चला गया, उन्होंने दुकान बनाई है तो वहाँ पर गया, उसने मुझे बोतल पिलाई, लेज खिलाई। और फिर बाद में जिस आंटी ने दुकान में, अच्छा एक मिनट, तुम्हारी बात यही से शुरू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब आपको पता चला था कि हमने फिश इधर लेके आए, तो फिर इतना गुस्सा क्यों दिखाया था, इतनी चीज़ें उधर खाई, तो हमारी फिश में फिर लिया थी तेरी, हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चले अब मेरी सुने। तो फिर जब मैं उनके घर गया, तो फिर आंटी ने ना पता नहीं क्या हुआ, जब उस घर हम गए जिस घर पहले जा गए थे, तो
जिस घर में मैं जोकर भी बना था, तो उस घर में जब गए ना, उस तरफ से वो भी खुद की तरफ से बकरा पकड़ा था हमारा, उनको कुछ नहीं पता था कि हमने आना है या नहीं आना है। तो फिर बाद में जब उस घर में गए जिन्होंने दुकान बनाई है, तो वो जो है ना टिक्के बना रहे थे। तो तुम ऐसे बताओ ना कि बड़ी आंटी और छोटी आंटियाँ जो है, तो बड़ी आंटी टिक्के बना रही थी, फिर हमने टिक्के खाए। फिर बाद में जब अब आने लगे थे, तो अब हमने सेब खाए और बर्गर खाए। फिर तो मजे 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 मजे। तो उनकी दुकान कैसी चल रही है? हाँ जी, बच्चों की दुकान छोटी सी डाली है ना। हाँ जी, तो मजा आया था? हाँ जी, चीजें दी थी बच्चों को। हाँ जी, है? फिर तो तेरा दिल कर रहा हो कि उधर ही रह जाऊँ। हाँ जी हाँ जी, माँ को भूल गया था उधर जाके। बेवफा है ये, है बेवफा ही है। जब हाँ। मेरे पास होता है तो मम्मा 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 मम्मा, तो उधर जाके सब भूल गया। फिर मम्मा कहाँ गई थी? सचमीर। तो ठीक है, अब जब ना मैं जाऊँगी ना, तो मैंने भी तुम्हें साथ लेके जाना, लेकर जाना है जी। नहीं जाना है, तुम लेके गए थे मुझे जाना है। अब मैं अकेली जाऊँगी रबीत के साथ। रबीत के साथ देख ले, मैंने वहाँ से आपको वीडियो बना कर भेजी। तो आप कहते मुझे लेकर नहीं जाना। तो गाइस हम ना उधर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा क्या मम्मा ने वीडियो बनानी है, तो मैंने मेकअप का सामान उठाया और नेट से जोकर की तस्वीर निकाली और मेकअप शुरू। फिर 10,000 रुपये का मेकअप करवाया और फिर ये वीडियो बनाई। ये तो सारी बात तुमने झूठ बोली है। 10,000 का मेकअप करो? 10,000 का मेकअप जो है ना वो झूठ है, लेकिन बाकी सच है कि नेट से जोकर की वीडियो निकाली, तस्वीर पिक। तो सारी माँ गया है, तो उसने मजे मजे की बातें सुनाई उधर जाके, जो उसने मजे किए वो हमारे साथ शेयर किए। तो उम्मीद है कि आपको ना सारी उनकी बातें जो हैं वो अच्छी लगेंगी। तो अगर अच्छी लगे तो सारिम की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सारिम फैमिली को सब्सक्राइब करना, और हमें दुआओं में याद रखना। हम भी दुआओं में याद रखते हैं। तो शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।